हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी आज की इस नई वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भला आप एक इस तरीके की एक पेन ड्राइव को इस तरीके की रैम में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक बूटेबल पेन ड्राइव, यानी कि इस पेन ड्राइव को नॉर्मल, मैं सैंडिस्क की पेन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, आप भला इसको एक इस तरीके की रैम में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, कितने समय से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली और मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी गिर चुके थे। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही था कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं थोड़ा बिजी था एग्ज़ाम्स में, और फिर अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट और शॉर्ट रखूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा ही कि आप किसी भी ऐसी एक नॉर्मल पेन ड्राइव को इस तरीके की एक रैम में, ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पेन ड्राइव तो मेरे पास ऐसी है, लेकिन रैम मैं ग्राफिक्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो रैम होगा वो फिजिकली नहीं लगेगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर टाइप से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये नॉर्मल पेन ड्राइव है। अभी इसके बाद जस्ट मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाने वाला हूँ, और इस कंप्यूटर की स्क्रीन में मैं आपको बताऊंगा कि आप भला ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से आप इस पेन ड्राइव को एक रैम में बदल देंगे। ठीक है, तो फिर चलिए अब सीधा मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं। तो जैसे कि अब हम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो फिर अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम एक भला पेन ड्राइव को कैसे एक रैम की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जल्द से जल्द हम सीधा वीडियो में चलते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पीसी खोल लेता हूँ, उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वो पेन ड्राइव लगा चुका हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है इसको फॉर्मेट कर लीजिए। ठीक है, मेरे फॉर्मेट है तभी मैं फिर से मार लेता हूँ एक बारी। ओके, एक और बारी मार लिया हमने, फॉर्मेट कम्प्लीट हो गया उसका। और उसके बाद फिर अब आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आप जैसे जाएंगे यहाँ पर आपको एक रेडीबूस्ट करके होगा। ठीक है, रेडीबूस्ट में हम जल्द से जल्द आइए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद वो जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यूज डिवाइस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें ना 3 ऑप्शन है, डू नॉट यूज डिवाइस, डेडिकेट द डिवाइस टू रेडीबूस्ट, और एक यूज डिवाइस है। ठीक है, तो अगर हम डेडिकेट कर देंगे तो इसके अंदर हम फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, पूरा ये जो है उसी के अंदर डेडिकेट हो जाएगा, और यूज़ में हम फाइल भी ट्रांसफर करें। तो मैं प्रेफर करूँगा अगर आपको 4 GB की है तो आप फिर डेडिकेट ही कर दीजिए, और नहीं है तो फिर यूज डिवाइस कर दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम आप इसके अंदर जैसे देखते हैं 4 GB तक का बना सकते। ठीक है, उसके बाद आप यूज डिवाइस पे जाकर ओके लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्फ़िगर करने लगेगा, जैसे ही आप देखोगे एकदम से ये 4 GB स्पेस बढ़ा। तो ज़रा हम खोल के देख लेते हैं, यहाँ पे एक फाइल बन चुकी होगी, उससे हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस आप पीछे में चल जाइए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ भला कि हमारी रैम कहाँ बनी। जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल मत जाइए, यहाँ पे 4 GB दिखा तो रहा है, ये फिजिकल रैम है। अब मैं आपको वर्चुअल रैम दिखा देता हूँ। ठीक है, एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप एडवांस में जाकर परफॉर्मेंस में चले जाइए। ठीक है, परफॉर्मेंस में आपकी सेटिंग के अंदर जो एडवांस पैनल है उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्चुअल रैम की बात हो रही है। वर्चुअल रैम वो रैम है जो आपकी गेम्स खेलने में मदद करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों अपनी हार्ड ड्राइव से डेडिकेट करी है 8 8 GB, इसलिए यहाँ पे मुझे 16 GB के आसपास मुझे मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 16,000 MB है, तो लगभग 16 GB है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, तो फिर अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास काफ़ी बड़े AAA टाइटल्स हैं, वॉच डॉग्स 2 भी है, मैंने बस उसका आइकन चेंज कर रखा है। ठीक है, तो इन तीनों गेम्स को खेलने के लिए आपको जो है वर्चुअल रैम की ज़रूरत होती है। वर्चुअल रैम वो रैम होती है जिसकी मदद से आपकी गेम्स जो है बिना किसी लैग के चलती है। जैसे ग्राफिक कार्ड में जो होती है वी रैम होती है, वही सेम यही है वी रैम। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेरी वीडियोज़ इतने समय से क्यों नहीं आती। तो उसका मेन कारण यही था कि मैंने REDEFINED और वॉच डॉग्स 2 डाउनलोड पर लगा ली थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं REDEFINED और वॉच डॉग्स 2 जो है दोनों ही बहुत बड़ी गेम्स हैं और बहुत ज़्यादा नेट भी यूज़ करती है। ठीक है, तो अब जब मेरा सारा नेट इसी के अंदर जा रहा था तो मैं बस नेट बच ही नहीं रहा था कि मैं वीडियो मतलब बना के एडिटिंग वेडिटिंग करके अपलोड करूँ। सॉरी, मुझे देरी होगी इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने में, लेकिन अब मैं फिर और मेरे लगभग
तो अब हम बातें बाद में करेंगे अगली वीडियो में। और अभी मैंने एक और अपनी अपकमिंग वीडियो जल्दी डालूंगा क्योंकि मैंने अभी टाइम लगा दिया, तो इस हफ्ते मैं मोस्टली वीडियोस बना बना के डालने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और थैंक यू सबसे बड़ा कि आप लोगों ने मुझे अब तक सपोर्ट करो और अब तक मेरे 300 सब्सक्राइबर्स आया मैं, और मैंने कई बार देखा मेरे जो एक्टिव व्यूज़ थे वो भी काफ़ी अच्छे खासे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब ज़्यादातर अपना टाइम जो है यूट्यूब के डेडिकेट कर दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी इस वीडियो को पूरी एंड तक देखा। अगर आपको मेरी चैनल का कंटेंट